हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो मेरी चैनल पे न्यू है वो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं एक बहुत स्पेशल ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो कुछ दिन पहले मतलब 12 जुलाई हमारी एनिवर्सरी थी, 2nd एनिवर्सरी। तो हमने इस बार डिसाइड किया कि हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, मतलब केक नहीं काटेंगे और कोई गिफ्ट नहीं देंगे एक दूसरे को। तो उसके बदले हम बहुत दिनों से चाहते थे कि हम लोगों के लिए कुछ करें। मतलब जब हम रोड पे निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है। तो हम काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि काश एक दिन भी हम उनको खिला सकें कुछ बना के। तो हम अपना वही विश पूरी करने वाले हैं। हमने डिसाइड किया कि हम कुछ खाना बनाएंगे, जितना हमसे हो सके खाना बनाएंगे, उसको पैक करेंगे और फिर उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनको खाने की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि मैं बंगाली हूँ, मतलब हम बंगाली हैं, और हम जहाँ रहते हैं वो साउथ हैदराबाद में। तो जो बंगाली खाना है और जो साउथ का खाना है उसमें बहुत डिफरेंसेस है। मतलब हमारी बंगाली खाना साउथ इंडियन लोग बिल्कुल नहीं खा सकते, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो अगर हम ऐसा कोई खाना उनको दे भी तो वो नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा खाना बनाया जाए जो कि कॉमन है दोनों में। तो हमने सोचा कि हम खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी बंगाल के लोग भी खाते हैं, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सब खाते हैं, और हम बना भी सकते हैं। वैसे मुझे हर एक टाइप का खाना बनाना तो नहीं आता, पर खिचड़ी बना सकते हैं। तो हम खिचड़ी बनाएंगे और साथ में कुछ पकोड़े या कुछ फ्राई करेंगे, और फिर हम एक दो फ्रूट्स जो भी है, जो भी मिलता है मार्केट में अवेलेबल है वो देंगे, उसको पैक करके हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग यही है, देखते हैं हम कितना कर सकते हैं। तो खिचड़ी मेरी हस्बैंड बनाएंगे क्योंकि उनको खिचड़ी बनाना आता है, मुझे नहीं आती है। और जो पकोड़े बनाने होंगे या फ्राई करना होगा वो मैं कर लूँगी। और एक बात, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि ये शो करने के लिए कि हम कितना काइंड है, या बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो खुशी अब भी हमें मिल रही है ये सोच के कि हाँ हम किसी को कुछ देंगे खाने के लिए, तो वो खुशी आप सबसे शेयर करना, यही एक लौती रीज़न है ये वीडियो बनाने का। तो इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं इसको।
सारा पैक करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब देखते हैं रास्ते में कौन कौन मिलता है, जो भी मिलेंगे फिर उनको हम खाना देंगे। और मेरे हस्बैंड अभी पानी के बोतल लेने के लिए गए हैं, तो वो आते ही हम फिर से चलते हैं। तो हम सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आ गए हैं। तो रास्ते में हमें जितने भी लोग मिले जिनको खाने की ज़रूरत था, हमने उनको खाना दिया। सबको देना तो पॉसिबल नहीं हुआ, उतना सारा पैकेट्स नहीं था हमारे पास, तो जितने भी पैकेट्स थे सब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा खाना बना सके और भी ज़्यादा लोगों को हम खाना दे सके। तो हमने उसका वीडियो नहीं बनाया, अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाने में। तो ठीक है, जो भी हमारे चैनल में न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।